जो मुझे डेयर मिला था वो बहुत मुश्किल डेयर है। लेट्स सी कि वो डेयर मैं पूरा कर पाती हूँ क्या नहीं, ताकि वो आए हम मुझे परमिशन ले सके। लेट्स गो होप फॉर बेस्ट। ओह माय गॉड, जो इम्पॉसिबल था पॉसिबल कर दिया था। Hi everyone, assalamu alaikum, this is me Abhika Kashyap, welcome back to my YouTube channel. स्पेशल व्लॉग इज हियर। पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा था, मैंने ट्रुथ एंड डेयर खेला था और जो मुझे डेयर मिला था वो बहुत मुश्किल डेयर है। और आज के व्लॉग में लेट्स सी कि वो डेयर मैं पूरा कर पाती हूँ क्या नहीं। सारी चीजें आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेंगी, होप फॉर द बेस्ट। वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह होगा, परमिशन कैसे मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है और मोस्टली नहीं देते हैं, लाइक उनके होटल में, किचन में वो भी परमिशन। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं जा रही हूँ उनके ऑफिस, उनसे बात करने। एंड गाइस, मैं आ गई हूँ नीचे कॉरिडोर में और मैंने जरीन को भेजा उनको बुलाने के लिए। सो अब जरीन उनको बुलाएगा, लेट्स सी उनसे परमिशन मिल पाती है कि हम बात करते हैं। बेसिकली हम चाह रहे थे कि एक आपके किचन में वीडियो शूट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है एडजस्ट करना। अगर आप जाते देखें किसी भी होटल में उसके किचन में विजिट करना बहुत मुश्किल है। Kindly, अगर आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं अपने ओनर से इजाज़त लेके आपको बता देता हूँ। चलें ठीक है। सो भाई जो है वो अंदर गए हैं अपने ओनर से परमिशन लेने, एंड लेट्स सी वो परमिशन देते हैं या नहीं देते, क्योंकि डेयर तो बड़ा मुश्किल दे दिया उन्होंने। वो नहीं सोचा कि परमिशन मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, मेरे लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन खैर रिस्क ले लिया है। अब देखते हैं अल्लाह मान के वो इजाजत देते हैं क्या नहीं। किचन के रूल जो है वो काइंडली आपने फॉलो करने हैं, कैब वगैरह पहन लेनी है, ठीक है, और विजिट किए किसी भी चीज़ को टच नहीं करना आपने, हाथ से टच नहीं करना, ठीक है, आपको परमिशन है। ओह माय गॉड गाइस, ये हमारा गुड लक है कि हमें इजाजत मिल गई है। एंड अब हम लोग जाने लगे होटल के किचन में, जो इम्पॉसिबल था उसको हमने पॉसिबल कर दिया है। प्लीज वेट कीजिए, क्या प्लीज, ये मैं। थैंक यू। ओहो, आपकी मास्टर शेफ तैयार हो गई हैं जी। सो अब मैं जाने लगी हूँ किचन में। जो भी मैं आपको कहूँगी फिर स्टार्ट करते हैं। किचन रूल्स में एक ग्लव्स पहनना भी शामिल है, जल्दी से ग्लव्स पहने थे। वैसे मैंने कभी ऐसे ग्लव्स पहनने काम नहीं किया था, रमजानों में किया था, लेकिन अब काफ़ी टाइम बाद मैं इससे काम करूँगी, क्योंकि किचन रूल्स फॉलो करना वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब घर में भी खाना बना रहे हो तब भी आपको ये सफाई का, सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम वेरी इंप्रेसिव कि यहाँ की सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी नीट एंड क्लीन है, सारी चीज़ें, मतलब स्टाफ भी बड़ा कोऑपरेटिव है, और उन्होंने सबसे बड़ी बात हमें इजाज़त दे दी, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती है। तो लेकिन आप लोगों को भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि रविका क्या बनाने वाली है। वैसे तो यार हर चीज़ आती है आपकी बहन को, लेकिन आज मैं बनाऊँगी यहाँ पे जो कि मेरे लिए भी बहुत ईजी है। मेरे पास है मैक्रोनी, साथ में है स्पैगेटी, क्योंकि हम इतने टाइम से चाउमिन खा रहे थे तो चाउमिन वाला सीन जो है वो कैंसिल। मैं बनाऊँगी शिमला मिर्च वाली मैक्रोनी, और जिसमें काली मिर्च वगैरह दिखा है, जो भी होगा वो आप लोग वीडियो में देखोगे। सब जल्दी से स्टार्ट। यहाँ की गैस बहुत तेज है तो कंट्रोल करना नहीं आता, लेकिन भाई मेरे साथ खड़े रहेंगे, वो कंट्रोल करेंगे गैस को। पनीर को हमने बॉईल पे रख दिया है। गाइस, हमने चिकन फ्लेट जो है वो ले लिया है, जल्दी से हम चिकन को कट कर लेते हैं। अच्छा, अभी कौन सी तेज है नाइफ? काफी तीर नाइफ है। जो है वो मैंने क्यूब्स में काट ली है, अब मैं काटूंगी शिमला मिर्च। काफी टेस्ट हो रही है, मजा आ रहा है काटने।
अच्छे से हमारी शिमला मिर्च जो है वो कट चुकी है। अब हम सबसे पहले करेंगे चिकन को फ्राई। पैन हमने गरम पे रख दिया है। इसमें डायरेक्ट मार रही चिकन हमारी जो है वो फ्राई हो रही है। जब तक ये फ्राई हो रही है मैं मसाले एक बोल में डाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे आइडिया है कि कितना नमक कितने सारे मसाले कितनी क्वांटिटी में डालें। मसाले मैंने क्वांटिटी के हिसाब से ले लिए हैं। अब ये सारे मसाले मैं ऐड करूँ चिकन में। यहाँ पर मेरे पास है सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर वगैरह, वो मैं ऐड कर दूँगी। और ये कोई न्यू सॉस है ये भी ऐड कर दीजिए। तो ये हमारी चिकन में अच्छे तरीके से मसाले ऐड हो गए हैं, साथ में चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हम दूसरा बोल लेंगे, उसी में सारे मसाले वगैरह ऐड करके हमारी फिर मैक्रोनी स्टार्ट हो जाएगी पकना। पहले मैं दूसरे फ्राइंग पैन में डाल रही हूँ चिकन, ये बड़े में चले जाए, फिर हम अच्छे से सारा प्रोसेस कर। थोड़ी सी चिकन यखनी ऐड की है, साथ में शिमला मिर्च मैंने काटी थी वो मैं ऐड कर देती हूँ, ताकि ये भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए। फिर से मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि अच्छे से टेस्ट आ जाए। भाई हम कराची वाले हैं, हमें स्पाइसी खाना पसंद है, तो आज मैं स्पाइसी ही बना रही हूँ। अब मुझे ये नहीं पता जो स्पाइसेस होती हैं उनका टेस्ट कितना ज़्यादा मतलब मिर्चों वाला होता है। लेट्स सी, अल्लाह मालिक है। थोड़ी सी हम इसमें केचप ऐड कर देते हैं। भाई मैंने ये बड़ी वाली कढ़ाई ले ली है, क्योंकि मुझे उसमें लग रहा था कि मैक्रोनी नहीं आएंगी। गाइस बहुत गंदा धसका लग गया है मसालों की वजह से, लेकिन खैर आप ये लिए जो बॉइल किया है ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर क्रीम। इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ चीज़, क्योंकि सब चीज़ के शौकीन हैं, चीज़ डालना बहुत मस्त है। ये हमारे पास आ चुका है बोल जिसमें हम सर्व करेंगे। काफ़ी हैवी चीज़ें यहाँ पे, चाहे वो कढ़ाई हो चाहे वो बोल हो। ये भाई आप आगे पकड़ लें क्योंकि मैंने पकड़ के चीज़ जो हो ना वो बारीक बारीक काट रही हूँ, ताकि वो काफ़ी अच्छा टेस्ट दे, क्योंकि ये काफ़ी अलग वाली चीज़ है। ये मैंने चीज़ जो है वो बहुत ही प्यारे तरीके से काट दी है, और ये बोल में भी निकल चुकी है हमारी मैक्रोनी, तो हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। अब भाई आपने इसको माइक्रोवेव में करना है, ठीक है, ताकि हमारी चीज़ सारी मेल्ट हो जाए। थ्रू आउट मैंने ग्लव्स पहने पहने काम किया है सारा, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरे हाथ भी साफ और मज़े से सारा काम भी हो चुका है। ओ माई गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव कि ये सारी चीज़ें मुमकिन हो गई हैं। मैंने अपना डेयर इतने प्रॉपर तरीके से निभाया है। हमारी मैक्रोनीज जो है वो रेडी हो जाएंगी, फिर हम लेके जाएंगे सरप्राइज मैक्रोनीज। एग्जैक्ट वो चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है, मैं थोड़ी सी क्रीम उसके ऊपर ऐड कर दूंगी। मैक्रोनीज जो है वो बन चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि गर्मी लग रही है, हमें मरी में आके भी गर्मी लग रही है। बस अब आ जाए हमारी मैक्रोनी से, फिर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। मैं कह रही हूँ ये वाला ठीक है, ये वाला पार्ट सबसे अच्छा है, ये वाला जी लगा आपको बहुत अच्छा लगा, मतलब किचन वगैरह से बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था, काम करने में भी मुझे मज़ा आया, लेकिन स्पेशली थैंक यू क्योंकि आपने इजाज़त दी। नॉर्मली इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन भाई ने हमें इजाज़त दिलवा दी, तो थैंक यू सो मच। आपने यहाँ की डिशेज ट्राई की, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, उसके बाद पाकिस्तानी, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे सब अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। खाना बहुत अच्छा था, काफी वगैरह कॉफी खाना वगैरह एवरीथिंग वाज सो गुड, थैंक यू सो मच। भाई ऊपर आ चुके हैं पेंट हाउस में, तो भाई आज गए पेंट हाउस में आ गए हैं और सब अपने अपने रूम में चले गए थे। अंदर ले आओ, सब हमको सरप्राइज देने आए थे, सरप्राइज हमें मिल गया कि वो रूम में चले गए। एग्जैक्टली, हमें लगा सब यहीं बैठे होंगे लेकिन सब अपने रूम में चले गए हैं, तो खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इनसे रखवा देते हैं। आप ये टेबल में रखवा, इसे हमने रखवा दिया है, अब वो लोग जैसे आए उनको दे देंगे सरप्राइज, डे कंप्लीटेड। तो अब आने दो फिर देखते क्या रहे। 2000 years later गाइस, मम्मा लोग जो है वो ऊपर आ चुके हैं, घर पे बेल बजाई जा रही है। सरप्राइज सरप्राइज ऐसे दे रहे हैं, सजा
मुश्किल दिया था कि बस क्या ही बताऊं आपको। क्या बनाया भी बहुत भूख लग रही है। मैं बनाया भी आते आते जल्दी से वो मुझे नजर आ गया क्या बनाया। ओए वाह अभी मैंने पूरा कर लिया भाई। तुम्हें उन्हें गुस्सा दे दिया जी। आपको पता है कितनी मुशक्कत से हमें परमिशन मिली है। ये इजाजत कैसे मिल गई वैसे। मैंने तो इसलिए दी थी कि ये कुछ कर ही नहीं पाएगी। और इसको हम ठंडे पानी के बारे में डुबोएंगे। सच्ची में मैंने यही सोचा था कि ये कुछ कर नहीं पाएगी। ये बंदा कैसे परमिशन लिया अब भाई। जहाँ रबिया काशिफ खान से कोई मना ही नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल काम होता है क्या इजाजत लेना। है क्या वैसे। अरे मैं नॉनवेज है। इतनी बड़ी नॉनवेज। वाओ वाओ भाई जबरदस्त। अब लेट नाइट हमेशा ऐसा होता था कि किचन बंद हो जाता है भूख लगती है। आज हमारा लेट नाइट का भी इंतजाम मैक्रोनी खाने को मिलेगी। सबसे बड़ी प्रॉमिस मैंने बनाई पूरे ब्लॉग में एक एक चीज। मैं सब्जी भी इनफेक्ट खुद काटी तेज वाली छुरी से। सब गवाह है। चलो भाई आज हम आ गए। से तो मैंने खाना खाया हुआ है पेट भरा हुआ है मगर फिर भी रबीका ने भाई बहुत बड़ी बात है इतनी मेहनत से बनाई है। तो मैं थोड़े ही चक्के जरूर बताऊंगी कि कैसी बनी है। मैं हर दफा अच्छी बनती है ये भी अच्छी चैलेंज हो जाता। हम खाना ही ना खाते हमने सबने खाना खा लिया था। चलो कोई बात नहीं। बहुत यम्मी है। इतने ज्यादा नहीं खा रहे ना। पहले मैं खाऊंगी फिर बताऊंगी। चटपटी है मजेदार। मैं कब से चाहता था कोई घर की चीज मिल जाए। मैंने जान के इसको दी थी। मुझे क्या पता ये बना लेंगे। नाइस नाइस। चलो अब मैं भी खिला रही हूँ रवि का। थैंक यू सो मच तुमने तो बड़ी यम्मी चीज खिलाई हमें। सो गाइज अब मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। बहुत ही जबरदस्त वीडियो हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। पहले तो आप लोग डर रहे होंगे कि क्या सीन है पता नहीं इजाजत मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। पर जब इजाजत मिली होगी आप लोग भी बहुत खुश हो गए होंगे। तो जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। फाइनली मेरा डेयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार व्लॉग में। कीप सपोर्टिंग कीप लविंग। Lots of love. Take care. Bye.